हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा सेंटर में। जैसा कि अभी आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे कि मैं इस वीडियो में आपको क्या जानकारी देने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता था कि आप लोग का रिजल्ट निर्धारित समय से पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया है, जो कि आप लोगों के लिए अच्छी बात है। तो आप लोग रिजल्ट कैसे देखेंगे अपना? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका ITI रिजल्ट देखने के लिए आपको NCVT MIS पोर्टल पे आना होता है, जो कि अभी वो वेबसाइट काम नहीं कर रहा है। उस वेबसाइट पे इतना ट्रैफिक हो गया है, इतने लोग एक बार ही यूज कर रहे हैं, तो वो वेबसाइट अच्छे से ओपन हो ही नहीं पा रहा है, वो बिजी है। तो फिर सेकेंड कंडीशन आता है ये कि तो हम अपना रिजल्ट कैसे चेक करेंगे। तो NCVT MIS पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, तो आप लोग के अंदर उत्सुकता होगी कि हम आखिर अपना रिजल्ट कैसे देखें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब आपने ITI में एडमिशन लिया था, तो आपने एडमिशन टाइम जो भी अपना ईमेल ID दिया था, या ट्रेनी वेरिफिकेशन के टाइम आप देखे होंगे, आपके ट्रेनी प्रोफाइल में जो भी ईमेल ID शो करता है, तो DGT के तरफ से आपको रजिस्टर्ड ईमेल ID पे आपका रिजल्ट भेज दिया गया है। काफ़ी ट्रेनिंग तो देख चुके होंगे, अगर जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो आप अपने ईमेल को चेक करिए इनबॉक्स में। इनबॉक्स में नहीं होगा तो आप स्पैम फोल्डर में चेक करिए, आपका रिजल्ट वहाँ पे शो हो गया होगा। और जो आपको वहाँ पे ऑप्टेंड मार्क्स और टोटल मार्क्स शो हो रहा होगा, वही मार्क्स आपको अपने मार्कशीट में भी देखने को मिलेगा। और तो चलिए अब नेक्स्ट कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। अगला कंडीशन ये होगा कि ITI मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करेंगे। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि जो आपका ITI मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होता है, वो आपके ट्रेनिंग प्रोफाइल के अंदर लॉगिन होकर के ही वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि अभी आपका NCVT MIS पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है। ये सब जो भी मैं आपको कंडीशंस और जो भी टॉपिक्स पे आपको मैं अभी आपको बता रहा हूँ, उसका वीडियो मेरे ITI प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, पिछले साल का, पिछले सेशन वालों का। आप वहाँ से प्रोसेस उनका देख सकते हैं, सेम प्रोसेस फॉलो करके इस सेशन में भी आप वैसे ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो ITI मार्कशीट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं कि नहीं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। आप कॉन्सिलेटेड जो फाइनल मार्कशीट होता है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का, और सर्टिफिकेट आप खुद से ट्रेनी खुद से डाउनलोड कर सकता है ट्रेनी प्रोफाइल में अंदर लॉगिन होकर के। लेकिन अभी आपका ओपन ही नहीं हो रहा है NCVT MIS पोर्टल, तो कैसे डाउनलोड करेंगे? और फिर देखिए, नेक्स्ट कंडीशन है ये कि कॉलेज से आपको मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट कब मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक आपको पिछले DGT के नोटिस के अकॉर्डिंग आपको बताया था कि आपका 17 सितंबर 2023 को लगभग हर सितंबर को, यानी कि 17 सितंबर को दीक्षांत समारोह यानी कन्वोकेशन डे आपका रखा जाता है, उसी दिन आपको कॉलेज से ITI मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट वहाँ पे वितरण किया जाता है। यानी कि आपको उस दिन कॉलेज पे बुलाया जाएगा, जो भी फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर वालों को नहीं दिया जाता। फर्स्ट ईयर वाले वो अपना ट्रेनी प्रोफाइल से ही लॉगिन होकर के आप अपना फर्स्ट ईयर का मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं और रिजल्ट देख सकते हैं। जो भी ITI फाइनल कर लिए होते हैं, यानी कि सेकेंड ईयर कम्प्लीट कर लिए होते हैं, या जिनका एक साल का कोर्स होता है, तो जो भी ITI कम्प्लीट कर चुके होते हैं, उनको 17 सितंबर 2023 को कॉलेज में दीक्षांत समारोह रखा जाएगा। उस दिन आपको बुला करके और आपको ITI मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। और दोस्तों, बता दूं कि 17 सितंबर से पहले मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं कि नहीं, तो ये भी नहीं कुछ भी कहा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि आपको 17 सितंबर से पहले ही ट्रेनिंग प्रोफाइल के अंदर आपका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट जनरेट कर दिया जाए और वहाँ पर लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या हो सकता है 17 सितंबर के बाद आपका ट्रेनी प्रोफाइल के अंदर लिंक एक्टिवेट किया जाए कॉन्सिलेटेड मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए। तो जब तक अभी NCVT MIS पोर्टल अच्छे से वर्क नहीं करने लगता है, तब तक आप चेक करते रहिएगा वैसे, नहीं तो आप 17 सितंबर के बाद या जब भी लिंक एक्टिवेट होगा, आप वहाँ से अपना ITI मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेंगे। तो अगर इसके अलावा और भी आपको कोई जानकारी चाहिएगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और आपको इस चैनल पर इसी तरह के अपडेट मिलते रहते हैं। जो भी मैं आपको कंडीशंस और जिस भी टॉपिक पे अभी आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, वो ITI प्लेलिस्ट में मेरे पड़ा हुआ है। मैं अभी ITI प्लेलिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, आप वहाँ से विजिट करके देख सकते हैं, सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ। थैंक यू।